फर्स्ट लवर का पोस्टर लॉन्च है, तो आप प्रोड्यूसर हैं, इसके क्या कहना चाहेंगे, कैसे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया, क्या कहना चाहेंगे? गोस्ट लवर कंसेप्ट तो ऐसा है कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि गोस्ट प्लस लवर, तो गोस्ट लवर है, तो ये एक इमोशन, लव, सस्पेंस और रिवेंज वाली एक शो फिल्म है। ये डिज्नी हॉटस्टार पे ये मूवी आने वाली है। और बाकी तो जैसे मैंने बताया ना कि इसमें कुछ थ्रिलर सस्पेंस है, तो फिल्म का तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इसमें लव भी है, इमोशन भी है, रिवेंज भी है, तो ये सब देखने को मिलेगी डिज्नी हॉटस्टार पे, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। ऐसी क्या चीज़ आपको टच की कि आपको लगा कि इस फिल्म को करना चाहिए? हमारी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे काफ़ी फिल्में हैं, 15-20 स्ट्रीम हो रही है और आने वाले टाइम में भी काफ़ी फिल्में आ रही है, तो सब डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जोनर की है। ये फिल्म में ऐसा है कि डायलॉग कोई नहीं है और इसमें सब इमोशन है और सब बताया गया है, तो इसीलिए जब फिल्म मतलब हमने सुनी और हमारी टीम ने सुनी तो सबको बहुत अच्छी लगी कि विदाउट डायलॉग वाली एक फिल्म जिसके अंदर सारा इमोशन और ये सब दिखता है और ट्विस्ट है और ट्विस्ट पे वापस ट्विस्ट आता जाता है और रिवेंज और सस्पेंस भी है, इसलिए फिल्म को बहुत साइलेंट फिल्म है बेसिकली। हाँ, साइलेंट फिल्म है। कास्ट की बात करें तो आपने कैसे चूज किया कि इनको ये लेना चाहिए, इसके लिए, इस कैरेक्टर के लिए ये फिट है? इसके बारे में ये ऐसा था कि जब ये हमारे डिस्कस चला था तो ये स्टोरी के एक टाइम निवेदिता भी, तनु भी आई हुई थी ऑफिस में, तो इसने सुनी तो ये बोले कि ये फिल्म तो मैं करूँगी ही करूँगी, तो ये तो फिक्स हो ही गई अपना कब्जा उस पर, अपना रोल का कब्जा उसने कर ही लिया। जैसा कि फिल्म के अंदर इंटेंस लव है, इमोशन है, सस्पेंस है, तो फिर बात ये हुई कि ये किससे कंफर्ट रहे फिल्म में काम करते टाइम, किससे कंफर्ट रहे, क्योंकि शॉर्ट फिल्म के अंदर आपको बता नहीं, 10-12 मिनट की फिल्म होती है जिसके अंदर आपको सारे इमोशन, सारा सब कुछ बताना है, और इसके अंदर इतनी फास्ट वो फिल्म को मेकिंग प्रोसेस इतना फास्ट होता है, ये तो विदाउट डायलॉग वाली फिल्म है, तो ये तो एकदम फास्ट है। तो इनको ये बोला कि जिसके साथ तुम कंफर्टेबल हो, क्योंकि कुछ लव मेकिंग सीन भी होंगे, इमोशन भी होंगे, रिवेंज भी होंगे, थ्रिल भी है, तो इन्होंने बोला था कि मैं, जैसा कि तपन है और सिद्धार्थ है, इन दोनों के, ये दोनों इनको, इन्होंने इनके साथ गाने किए हुए हैं पहले, और इनके साथ इन्होंने काफ़ी टिकटॉक जब चलता था वीडियो बनाए हुए हैं खास तौर से, ये शॉर्ट फिल्म में बना, हाँ शॉर्ट फिल्म और कोविड वगैरह ये, तो कंफर्टेबल थी, तो इन दोनों को भी हमने फिर बुलाया, फिर इनका लुक टेस्ट वगैरह और ये सब हुआ, फिर सब देखा कि जब केमिस्ट्री अच्छी हो रही है, तो ऐसे हमने निवेदिता, तपन और सिद्धार्थ को लिया, और फिर फिल्म तो अभी जब सब देखेंगे तो बोलेंगे कि हाँ एक लाजवाब फिल्म जो बोलते हैं ऐसी होनी चाहिए वैसी है। और निवेदिता तो हमारे साथ गाने भी कर चुकी है, भोजपुरी गाने कर चुकी है और शॉर्ट फिल्म कर चुकी है, तो वो हमारे प्रोडक्शन और ये सबके सब जानती है कि क्या फिलोसॉफी है और क्या है, तो एक वो एक कनेक्टिंग पॉइंट, एक सर्कल होता है, बीच बीच में लूप होता है, वो भर गया और पूरा सर्कल बन गया। आप क्या कहना चाहेंगे किस तरह से इस फिल्म से जुड़े? सर ने तो बताया, आपको क्या ऐसा खास लगा कि इस फिल्म को करना चाहिए? जब मुझे इस मूवी के बारे में पता चला और मुझे रिकमेंड करने वाली तनु ही थी, और जब मुझे हमारे डायरेक्टर मुझे तनु क्यों कर रहे हैं, निवेदिता कंट्रोवर्सी के बारे में, कंट्रोवर्सी तनु, ओके नहीं, नॉट तनु, निवेदिता। सो मुझे जब निवेदिता ने बताया इस मूवी के बारे में, शॉर्ट फिल्म के बारे में, तो मुझे स्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बिकॉज इस मूवी में कोई डायलॉग्स नहीं है, ये सारी म्यूजिकल है, और मेरे डायरेक्टर ने जब एक्सप्लेन किया, नरेट किया पूरी स्टोरी को, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि मतलब मैंने कुछ इस तरीके से पहले कभी किया नहीं, तो मुझे एज एन एक्टर एक अपॉर्चुनिटी थी और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। फाइनली तनु जी क्या कहना चाहेंगे? तनु तनु इतना फैल गया है कॉन्ट्रोवर्सी इसके बाद में, तो साइलेंट फिल्म करने का रीजन क्या था और आपने क्यों इस रोल पे कब्जा किया? जैसा कि कैन आई से समथिंग, साइलेंट लोग बोल करना इसलिए हो गया कि ऑलरेडी लोग इतना बोल रहे हैं, लेट्स डू इट साइलेंटली ओनली, बातें ऑलरेडी। सही जवाब दिया है, क्योंकि हमेशा हम लोग की डायलॉग ये वो सारी चीजें करते हैं, अलग अलग स्टोरियाँ, अलग अलग चीजें, तो इस बार बेटर था, जैसे सर ने बताया कि पूरी स्टोरी जब उन्होंने मतलब सुनाई बताया कि ऐसा, बट मैंने बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने सर से बोला कि सर आप कल शूट है तो कम से कम मुझे स्क्रिप्ट तो दे दो, तो बोले हाँ कोई नहीं हो जाएगा
लेकिन बाद में जब वहाँ पे हम लोगों ने शूट किया तो एक्चुअली डायलॉग नहीं थे, बट डायलॉग ना होते हुए भी बहुत कुछ था. मतलब डायलॉग ही आप समझो कि पूरा डायलॉग ही था, बट हमें जो भी चीज़ें थी वो सारे एक्सप्रेशन से खेलना था. वो ज़्यादा टफ है अगर देखा जाए तो, ज़्यादा टफ है, बट अच्छा लगा. थोड़ी हटके चीज़ें किया, स्टोरी अच्छी है और हमारे दो स्टार हैं. तो आपने इस फिल्म की कास्टिंग भी की है बेसिकली अकॉर्डिंगली सर, तो आपने इन दोनों को ही क्यों चुना? क्योंकि ये दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं और अभी से नहीं, 5-6 साल से है. और अगर मुझे मतलब इनके साथ मैं कंफर्ट फील करती हूँ कोई भी कैरेक्टर करने के लिए, तो मैं हो सकता है मतलब सर के उसमें जैसे दूसरे भी जो भी मॉडल या एक्टर्स आए उनके साथ मैं इतना कंफर्ट नहीं हूँ, और दोनों गुड लुकिंग हैं, अच्छे दिखते हैं, तो मैं क्यों इनको क्यों ना करूँ. तो इसलिए देखो इतना है. आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए बहुत कंफर्ट हो जाता है जब आप अपने दूसरे अपने आर्टिस्ट को जानते हैं और शूट करने में इजी हो जाता है. और हम लोगों ने ऑलरेडी दोनों ने ही हम मतलब काम किया हुआ है पहले भी, तो अच्छा है. आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा इन लोगों के साथ काम करके? आपको कास्ट किया है, कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग ये अच्छा है, ये नया मिला आज तुमको कास्टिंग डायरेक्टर. ओह माय गॉड, मुझे पता नहीं, वो सारे अगले प्रोजेक्ट में अमील है. हाँ तो ये नहीं, उसके लिए वो सर से कांटेक्ट करना पड़ेगा. तो हाँ, तुम लोग स्टोरी हमें बताना, मैं सर तक पहुंचाऊंगी कि सर ऐसी ऐसी स्टोरी है ना. तो ये स्टोरी एक्चुअली मैं मैक्सिमम टाइम, जैसे मैं एक्टिंग में कुछ सालों से काम कर रहा हूँ, तो मैं मैक्सिमम 99% मैं स्टोरी ही पूछता हूँ पहले कि क्या है, क्या कर रहे हैं हम लोग. बिकॉज अभी आजकल वो बोल्ड वाला भी काफ़ी चल रहा है, जो नहीं होता है सही, वो लॉ मेकिंग इज फाइन, तो वो नहीं करता हूँ मैं. तो तनु को तो मैं 5-6 साल से जानता हूँ, शी जस्ट कॉल्ड मी, उन्होंने बोला कि करते हैं, बट उस टाइम थोड़ा मैं बिजी था, बोला देखते थे, देन मैं बोला बताओ थोड़ा स्टोरी क्या है, तो शी जस्ट नैरेटेड इन 5 मिनट्स, आई सेड डन, जितना जल्दी कर सकते करते. स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए कि मैं जितना बोलूंगी इतना करना है तो इतना ही. स्टॉप हां, बट इस वाले में नहीं हुआ है. तो देखने के बाद आपको लगता है इस तरह की फिल्मों से एज अ आर्टिस्ट जब कोई काम करता है तो वो पहले अपना कहीं ना कहीं बेनिफिट देखता है कि इससे क्लिक होगा कि नहीं होगा, इस तरह की फिल्मों से कुछ ऑडियंस तक मैसेज जाएगा आप लोगों का? आपने जो एक्सप्रेशन से खेला है, मुझे लगता है आर्टिस्ट को सोचने नहीं चाहिए कि ये करोगे तो कितना हम फेमस होने वाले हैं, कितना कुछ होने वाला है. अगर आपको दिल से लगता है कि ये आपको करना चाहिए, स्टोरी अच्छी है, तो करो, फेमस तो दैट्स अ बाय प्रोडक्ट. हाँ, तो आप मेरा कहना सिमिलर होगा, क्योंकि अब अगर हम आर्टिस्ट नहीं हैं, एक नॉर्मल अगर हम बिजनेस भी कर रहे हैं, तो हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स करते हैं, अलग अलग डील्स करते हैं, और वो हमारे एक्सपीरियंस में ऐड होता जाता है, और कभी एक ऐसी डील आती है जहाँ पे सब कुछ क्लिक हो जाता है. तो ये हमारा रोज़ का काम है, हम एक अच्छी सोच के साथ अगर करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा. निवेदिता, कहीं ना कहीं लगता है कि डायलॉग से ज़्यादा टफ एक्सप्रेशन साइलेंट होता है. डायलॉग तो फिर भी हम अच्छा ठीक है, ओके पढ़ लिया, एक बार दो बार ट्राई करेंगे, कहीं ना कहीं हो जाएगा. लेकिन सिर्फ जो एक्सप्रेशन से खेलना होता है ना, वो थोड़ा टफ होता है. मेरे लिए तो है एक्चुअली, लेकिन किया है और अच्छा किया है. आप देखोगे ना तो आपको खुद पता चलेगा. इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया टीवी है, टेलीविजन. टेलीविजन में आपको जाते ही 10-15 की स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसमें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पढ़ना ही होता है, पढ़ के ही बोलना होता है. तो वो एग्जांपल ये है कि एक्सप्रेशन अगर विदाउट आपको डायलॉग बोलना है तो दैट इज मोर डिफिकल्ट. ये किस प्रोडक्शन से बनी है, इसके बारे में? हमारा प्रोडक्शन है इंडिया ई-कॉमर्स लिमिटेड. हमारे सारा काम एक ही बैनर के अंदर है, जिसके अंदर हम हिंदी, भोजपुरी, वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म ये बनाते हैं, उसी के अंडर में हैं. इसी बैनर इंडिया ई-कॉमर्स लिमिटेड में एज ए प्रोड्यूसर मैं हूँ, रहता हूँ. और 15 फिल्में हमारी डिज्नी हॉटस्टार पे स्ट्रीम हो गई या होने वाली है. अमेजॉन प्राइम में हमारी 5 फिल्में हैं, और ऐसे एमएक्स, हंगामा, वोडाफोन, एयरटेल और जितने भी ऐप, उसमें हमारी 40-40, 50-50 फिल्में अभी स्ट्रीम हो रही है और आने वाले टाइम में भी होगी. और जैसा कि अभी आपने इनसे क्वेश्चन किया कि क्यों करनी चाहिए, तो मैं बताऊँ कि अभी लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 2-2, 3-3 घंटे की पूरी फिल्में आजकल ज़्यादातर OTT पे देखते हैं. और OTT पे देखते हैं तो वो भी उसके अंदर भी वो अपनी कन्वीनियंस, अपने टाइम के हिसाब से, और इवन पार्ट पार्ट में देखते हैं. तो शॉर्ट फिल्म का
फ्यूचर है वो एकदम ब्राइट है और अभी काफ़ी उसकी ऑडियंस है। हम कोई फिल्म जैसे यूट्यूब पे भी हमने डाली है तो उसके 5-5, 10-10 करोड़ व्यूज आए हैं इन शॉर्ट फिल्म्स के। और शॉर्ट फिल्म में आपको क्या है कि ऐसे फिल्म के अंदर आपको 2-3 घंटे के अंदर पूरा आपको दिखाएगा, इसके अंदर आपको 10-12-20 मिनट के अंदर आपका पूरा करेक्टर, पूरी स्टोरी और सब कुछ हो जाती है। और एज ए आर्टिस्ट शॉर्ट फिल्म में तो आजकल सब बड़े बड़े आर्टिस्ट भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और पर्टिकुलर जब आप बड़े चैनल जो कि एक अच्छे रिपूटेड चैनल में गिने जाते हैं जैसे डिज्नी प्लस, हॉटस्टार या दूसरे चैनल के लिए आप काम करते हो तो उसकी एक रिपूटेशन अलग होती है, एज ए आर्टिस्ट हो, एज ए डायरेक्टर हो, एज ए प्रोडक्शन हाउस हो, उनकी गुडविल और उसका लेवल अलग ही रहता है। और शॉर्ट फिल्म का क्या है कि फिल्म तो आप बनाओगे तो 6 महीने प्री होएगा, फिर उसकी शूट होगी, फिर पोस्ट प्रोडक्शन होगा, फिर आपको रिलीज डेट करनी, तो एक फिल्म हम भी बनाते हैं तो एक फिल्म को स्टार्ट टू एंड करके रिलीज करके और उसको आने में 2 साल अमूनन लग जाते हैं। और शॉर्ट फिल्म में ऐसा नहीं होता, इसके आप 4-5 दिन वर्कशॉप कर लो, 2-3 दिन शूट कर लो और उसके बाद आप चैनल को देते हो, उनकी क्वालिटी वगैरह में पास हो गए तो चैनल वाले उसको 2-4 महीने में रिलीज कर देते हैं। तो कितना सेट पे इन लोगों ने आपके अकॉर्डिंगली काम किया कि परेशान किया कि नहीं किया? मैं एज ए प्रोड्यूसर हूँ इसलिए मैं सेट पे जाता ही नहीं क्योंकि पता चला कि अगर कुछ परेशानी हो रही है तो हमारी टीम कैपेबल है, उन्होंने इतनी फिल्में बनाई हैं, इतनी शॉर्ट फिल्में हैं, उनको पता है कि किस चैनल की क्या रिक्वायरमेंट है, किस हिसाब से बना रहे हैं, तो सब काम स्मूथली होता है, ऐसा कुछ ज़्यादा वॉच करने की ज़रूरत है नहीं। तो आप बेसिकली अपने बारे में बताइए, आप हैं कहाँ के और कैसे इंडस्ट्रीज में आपका आना हुआ? जी जी, तो मैं बेसिकली मेरी पढ़ाई सब कुछ मेरा अमरावती से हुआ है, नियर नागपुर। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कम्प्लीट की है, उसके बाद आई मूव्ड टू बॉम्बे एंड उसके बाद 4 साल ऑलमोस्ट मॉडलिंग की है, बाद में थिएटर किया 2-3 साल एंड सिंस लास्ट 3-4 ईयर्स आई एम मोस्टली इनटू एक्टिंग एज OTT सर के साथ, OTT कर ही रहे, शॉर्ट फिल्म्स एंड फ्यू मूवीज ऑल्सो, वो भी आ रही है जल्दी। तपन अपने बारे में बताइए कि कहाँ के हैं आप और इससे पहले क्या कर चुके हैं और आने वाला क्या है आप? मैं ये तो बहुत कुछ कर चुके हैं बहुत कुछ कर सकते, तुम भूल जाओ तो तुम हेल्प करो। सो मेरा होम टाउन दिल्ली है, मैंने अपना एक्टिंग कोर्स बॉम्बे में आके किया। उस वक्त ये था कि हाँ करेंगे, बनना है एक्टर, बट मेरे ऊपर शायद हमेशा से माता रानी का बहुत अच्छा आशीर्वाद रहा है। मैं तो मॉल में शॉपिंग कर रहा था और मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर ने स्पॉट किया और उसने मुझे बोला कि हम लोग आपके जैसा ही कोई ढूंढ रहे हैं, आप चलो मेरे साथ। और मैं बॉम्बे में बहुत नया था, कुछ पता नहीं था, एक्टिंग का ये भी नहीं आता था, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं गया, देखा, ऑडिशन भी नहीं देना आता था, स्क्रिप्ट देखी, छोड़ के बाहर वहीं से वापस चला गया। उसने मुझे कॉल करके बुलाया, ओके आप लेके जाओ, याद करके आना, 2 दिन में ऑडिशन देना। उस वक्त मेरा कोर्स चल रहा था, मुझे ऑडिशन भी नहीं, मतलब हमारा वो सीक्वेंस नहीं आता जब हमें ऑडिशन देना सिखाते। मैंने जाके ऑडिशन दिया, 3 दिन के बाद मुझे कॉल आया कि मैं एक शो के लिए सिलेक्टेड हूँ। तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्लोली अलग अलग मैंने शोज़ किए, मैंने मोस्टली ज़्यादातर TV किया है, बट मैं अभी इंक्लाइन हूँ टूवर्ड्स वेब शोज़, मूवीज़, एड फिल्म्स, म्यूज़िक वीडियोज़, इन सब चीज़ों में। टैटू का क्या बचपन से शौक था? टैटू का तो बचपन से ही शौक था मैं, बट दर्द नहीं होता कि टैटू बनवाने हैं? नहीं नहीं नहीं, वो बहुत इजी हो जाता है जब मैं कैंपेन करता हूँ ब्रांड्स के। इवन आजकल बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिनके साथ टैटू का कोई इशू नहीं है। होता है जब आप कोई TV शो कर रहे हैं वहाँ पे टैटू का बहुत इशू होता है, तो हम लोग मेकअप से कवर करते हैं। एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि हम ये खा नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, हमें डाइट फॉलो करनी है, कुछ चीज़ों का शौक होता है, तो वो मैंने कर ली बिकॉज इसको मेकअप से मैं छुपा सकता हूँ, तो इसलिए। निमिता आप बताइए कि अब कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद तो आपको अब तकरीबन पूरा हिंदुस्तान और जितने भी इंडियन लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं सभी पहचान गए हैं, तो ये तनु और निवेदिता क्या, ये निकनेम है आपका तनु, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या है जब लोग निवेदिता जो मेरा नाम है, आपका पूरा सोशल मीडिया निवेदिता सिंह के नाम से, निवेदिता चंदेल, और अब तनु से पूरा फैल गया है। तनु क्या है, लोग ना मतलब छोटा सा नाम है तो ले लेते हैं, अच्छा तनु, और निवेदिता प्रॉपर नहीं ले पाते, कोई निवेदिता, कोई निवेदिता, कोई कुछ भी बोलते हैं, तो ठीक है निवेदित। जो लोग
तनु जानते वो निवेदिता भी जानते, जो निवेदिता जानते वो तनु भी जानते, तो ठीक है उर्फ करके जैसे अभी अनिल सर ने लगा दिया कि आपने बोला है आपने सर ने बोला निवेदिता चंदे चंदे उर्फ तनु चंदे, ये निक नेम है। हाँ ये मेरा निक नेम है, जानता तो मैं भी पहले से था लेकिन फेमस तनु नाम अभी फेमस हुआ है। तनु एक्चुअली मेरा निक नेम है जो मम्मा लोग घर में मुझे प्यार से बुलाते थे। लोग सुर्खियों में आने के लिए कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, आप क्यों इतना मतलब बची इससे कॉन्ट्रोवर्सीज से, इसके पीछे क्या रीज़न था, फैमिली का या कब आके आपने कंडम नहीं किया, जो भी चीज़ें चलती रही एक साइड से चलती चली गई, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और अदील से आपका क्या रियल में रिलेशनशिप था या क्रिएट कर दिया गया? क्या है कि मैं चाहती हूँ ये कॉन्ट्रोवर्सी जो चल रही है उसकी वजह से लोग मुझे ना जाने, मुझे मेरे काम की वजह से जाने। और दूसरा ये है कि आदिल मेरा फ्रेंड है, जैसे इन लोग के साथ मिली, इन लोगों के साथ काम किया, ऐसे उसके साथ कोई भी चीज़ें मतलब एक सीरीज थी जो कि फाइनल हुआ था उससे रिलेटेड मिली थी, और ठीक है एक दो महीने में जो भी वर्कशॉप ये सारी चीज़ें हुई और इतना कुछ हुआ, सोचा भी नहीं था बट हो गया, उस पर मैं कुछ कर नहीं सकती। और बार बार हर चीज़ का मैं जवाब दूँ तो मुझे नहीं लगता और मुझे देना भी नहीं है। ठीक है जिसको जो सोचना है जिसको जो बोलना है बोले, मैं चाहती हूँ मुझे जो जाने मेरे काम की वजह से जाने, जैसे कि आप अभी आए हुए हो मेरे फिल्म सॉरी शॉर्ट फिल्म का जो पोस्टर लॉन्च है उस पर, ऐसे ही आगे बहुत सारे काम करूँगी और कर भी रही हूँ तो उसकी वजह से जानिए, बाकी ये सब कॉन्ट्रोवर्सी। बट ये बहुत बड़ा ब्लेम था ना कि आप कोई किसी का घर तोड़ दे, ये बहुत बड़ा आके उसने पूरी मीडिया में जिस तरह से आप पे ब्लेम लगाया, तो एक साइड दूसरी साइड भी तो आनी चाहिए ना। बहुत से तो निगेटिव हो जाता है कि भाई कहीं सही तो नहीं है, क्योंकि जेल भी हो गई, पूरा सब बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो गया और आपके बारे में डायरेक्टली बोला गया। दुनिया में पूरे इंडिया में कितने करोड़ लोग हैं? 140 है ना? नहीं दुनिया आप, नहीं नहीं दुनिया में नहीं, इंडिया में, इंडिया में है ना, तो आप एक एक को तो नहीं क्लियर करने जाएंगे, नहीं मैं ऐसी नहीं, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी नहीं, मैं ऐसी हूँ। यार ठीक है जिनको जो सोचना है आप सोचो, मुझे ठीक है उनका क्या कहना है मुझे नहीं मतलब, मैं क्या सोचती हूँ, मेरे आसपास लोग जो है वो क्या सोचते हैं, उनसे जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ वो क्या सोचते हैं, वो मुझे मैटर करता है। और मैं हर एक को बार बार एक्सप्लेन करूँ कि नहीं मैं ऐसी नहीं ऐसी हूँ तो वो मुझसे होगा नहीं, मैं सही हूँ मुझे पता है। बाकी बेसिकली आपका कहना ये है कि जो मेरी टच में जो जिसे जानते हैं हाँ। वो मुझे पहचानते हैं कि मैं कैसी हूँ, तो ये सब रॉन्ग था। रॉन्ग राइट क्या होता है कुछ तो कहीं ना कहीं तो मैंने बोला ना कि मेरा फ्रेंड है उसके साथ सीरीज कर रही थी और दो महीने हुए, और दो महीने में मतलब हम लोग का जैन एंड में शूट था जिसमें कि हम लोग ज़्यादा टाइम साथ में रहते थे, क्योंकि वर्कशॉप कभी क्लासेस कभी एक्टिंग क्लास कभी एक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें, तो ठीक है मेरी उससे फ्रेंडशिप थी, लेकिन आप गलत तरह से कोई भी चीज़ आप दिखा रहे हो वो आपका सोचना है ना। मैं अब ऐसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि मैं उसका जवाब दूँ, आप एक साइलेंट रहो ना, आपको लोग जाने, आप ऐसा काम करो कि लोग आपको जाने, ना कि ये जो चल रहा है ये सारी चीज़ों से जाने। आपने बताया वेब सीरीज या सॉन्ग के लिए मिले थे आप अदील से, कोई और टॉपिक पे बात करो ना प्लीज। आप यहाँ पे एक मिनट, वो उसी पे आ रहा हूँ, जो जिस चीज के लिए आप मिले थे वो चीज कंप्लीट हुई या नहीं हुई वो अभी नहीं बताना मुझे, वो नहीं बताना। लास्टली फिल्म क्यों ऑडियंस आपकी आए देखने के लिए, एक एक लाइन में आप स्टार्ट करिए। फिल्म में ऐसा क्या खास है कि जब ये रिलीज़ हो, हॉटस्टार कोई डेट क्लियर हुई है इसकी अभी कि कब आ रही है ये? नहीं आनी है इसी मंथ में है, डेट अभी मतलब वो फाइनल नहीं हुई है लेकिन इसी मंथ में आ जाएगी। जो हमारा एक प्रोसेस होता है क्यूसी वगैरह का इनका, वो अभी सब क्लियर हो गया तो उनकी ओर से डेट आ जाएगी और फिल्म भी जल्दी आ जाएगी। चैनल कुछ ऑडियंस से अपील करना चाहेंगे? ऑडियंस से तो मैं हमेशा ये अपील करता हूँ कि आप फिल्म देखिए, हमारी पहले भी फिल्में देखी हुई है, उनको भी आपने भरपूर प्यार दिया है और इसको और ज्यादा दो, करोड़ों में है, करोड़ों में उनके व्यू आते हैं, सब अच्छी अच्छी, और
बात यह है कि जो जिस चैनल के लिए हम फिल्में बनाते हैं उसके अंदर कोई न्यूडिटी या कोई सेक्स या कोई आप वॉयलेंस ऐसी चीज़ नहीं होती। ये सारी फिल्में जो बनी वो सब फैमिली के साथ में आप बैठ के देख सकते हो और शॉर्ट टाइम की होती है, 12 मिनट 15 मिनट 18 मिनट। तो आप जब भी जब फ्री हो तब आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाएँ, देख लीजिए। और इसके लिए आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री मॉडल में वो स्ट्रीमिंग होती है। हमारी सारी फिल्में जो भी है उसमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार आप लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो अच्छा, नहीं भी ले तो आप फ्री में देख सकते हैं। सर आप क्या कहना चाहें? हमारी मूवी ज़रूर देखिए बिकॉज इट्स अ म्यूजिकल, इसमें एक्सप्रेशंस हम लोगों ने जो काम किया है वो बिना डायलॉग्स के हैं और जो स्टोरी हम पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, डायरेक्शन से लेके लाइटिंग से लेके कैमरा वर्क को आर्टिस्ट सब ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाएँ और डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर हमारी मूवी देखें। मैं बस यही बोलूँगी कि अभी सर के जितनी भी शॉर्ट फिल्म आई है उनको जितना प्यार दिया है, हम लोग की जो आ रही है उससे और ज़्यादा दीजिए ताकि नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट हो सर का तो उसमें सर हम लोग को फाइनल करें कि यार इन लोग को लेके वापस एक वापस कब्जे जमा रही है। वैसे हम सर के साथ और एक कर रहे हैं इसके बाद जो घोस्ट लवर इसको हर जगह कोने कोने तक घर घर तक पहुँचाइए और कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं तो सबसे अच्छी लग रही हूँ है ना, और पोस्टर बहुत प्यारा है और बस घर घर तक पहुंचाइए ताकि सर के पास लोग कॉल करके बोले सर ये जो स्टार कास्ट थी ना वापस से लेके वापस से लेके हमें भी कुछ नया करना है ना। मतलब फिल्म का तो तनु का क्या है, फिल्म की तो मार्केटिंग कर ही रही है साथ में अपनी अपनी भी कर रही है, परफेक्ट बिजनेस वुमन ये बोलते हैं। बहुत सक्सेस हुआ है आपका, उसके बारे में एक दो लाइन अगर कुछ कहना चाहेंगे, काफी हिट हो गया है गाना कारे दसदा जी। इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता है क्योंकि ये जो सॉन्ग है ना वो प्रॉपर ठेठ पंजाबी है और मतलब इस गाने का जो मतलब है वो यही है कि जो बंदा है वो एक दिन कुछ ना कुछ करेगा जरूर। हाँ इतना ही मुझे आइडिया, बाकी वैसे तो ये पंजाबी है बोलने वाला था, इसको पूछो कारे दस दे के मतलब क्या होता है, मतलब कारे दस दा। जो घर से बाहर निकला है तो वो कुछ ना कुछ करेगा जरूर, अपने माँ बाप के माँ बाप को वो बोलता है कि आपका बेटा एक दिन कुछ ना कुछ करेगा जरूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।